नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उच्च शिक्षा विभाग में हो रहे कामों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद खुश हैं और इसके लिए उन्होंने राज्य मंत्री धन सिंह रावत की सराहना की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में हर साल दीक्षांत समारोह किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 27 नवंबर को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, 28 नवंबर को कुमाऊं विश्वविद्यालय और 30 नवंबर को दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस साल जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और लेखक प्रसून जोशी समेत मुरली मनोहर जोशी को डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और चाहे ज्ञान कुंभ हो या विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को, सिस्टम को ठीक करने का जो उन्होंने प्रयास किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम आएंगे। ज्ञान कुंभ अपने आप एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और मैं समझता हूँ कि ज्ञान कुंभ शिक्षा जगत पर लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ने में सफल होगा। उसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को बधाई भी देना चाहूँगा। अभी जो प्रेस आज में यहाँ पर कर रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय उत्तराखंड की जो हमारी ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने विविध क्षेत्र में और विशेष जिनका योगदान है, ऐसे विशिष्ट लोगों को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित करने जा रहा है, बेहद खुशी की बात है। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री फैसल सिद्दीकी महोबा पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश महामंत्री फैसल सिद्दीकी बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान करते नजर आए। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ तीखा हमला भी किया। 2019 की प्रमुख तैयारी, साढ़े चार वर्षों की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार बनाने से पूर्व हमने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ वोट मांगना इस देश में प्रारंभ किया था। आज साढ़े चार वर्षों की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सिद्ध किया है कि इन साढ़े चार वर्षों में देश के प्रत्येक वर्ग, जाति और समाज के लोगों का विकास और उत्थान हुआ है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल इससे पूर्व अल्पसंख्यक समाज को धमकाते थे और यह कहते थे कि हमको वोट दो वरना भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आज हमारे पास अच्छा अवसर है, आज हमारे पास वह मौका है कि इन साढ़े चार वर्षों में जो अल्पसंख्यक समाज के साथ इस देश में सर्वांगीण विकास की लहर चली है, इस लहर को हम इस जनता को दिखा के अल्पसंख्यक समाज को अधिकांश रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लें, इस प्रयास के साथ हम 2019 की मुहिम में जुट। महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के गिरिडीह के डुमरी के पारसनाथ स्टेशन में रेल मंडल के मंडलीय अध्यक्ष संजीव कुमार जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर आगामी 27 और 28 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विराट चतुर्थ महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से लगभग 7,000 रेलवे के स्टेशन मास्टरों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं धनबाद रेल मंडल से लगभग 75 स्टेशन मास्टर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें 6 महिला स्टेशन मास्टर भी शामिल होंगी। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान में वेवावड़ के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा चुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय शक्ल देने वाले निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल मालवीय ने मांडलगढ़ में विशाल रैली कर जनसभा को संबोधित किया। रैली में पूरे विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में आए युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मालवीय के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। मालवीय ने सभा को संबोधित करते हुए खुद को आमजन और 36 कौम का प्रत्याशी बताते हुए कहा कि मैंने वर्षों तक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा। वहीं मालवीय ने क्षेत्र में विकास के नाम पर जनता से वोट देने की भी अपील की। मारो खेल ले ले, वह बात यह है कि गोपाल मालवीय अगर फार्म नहीं उठाया तो उसको सड़क पे ला दूंगा, सड़क पे ला दूंगा, ये बात कही है। भीलवाड़ा से जगदीश सोनी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।